Hello friends, your friend Ayan Puni is here. Welcome to my YouTube channel. Friends, आपने तो मेरे 3 experiment देख ली होंगे. आज हम अपना करेंगे 4 experiment. और 4 experiment का नेम है bath bomb. पहले हमें जो materials required है वो हम उसके नाम बोलते हैं. 1 cup spatula. मेजिंग सिलेंडर मैंने बिग कप ली है और स्टैंडिंग स्टिक ली है, स्पैटुला ली है और मेजिंग सिलेंडर ली है. इसके अंदर 5 ml ऑयल है और जो केमिकल्स के अभी हम ना बोलते, सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा, कौन स्टार्च. फ्रेंड्स, ये है रेड कलर और ये है रोज सेंट. अब चलो हमारा जो होम की चीज है वो ले लेते हैं. ऑयल आपको तो इधर दिख ही रहा होगा. ऑयल और ये कितने स्टेप में होगा? 5 स्टेप्स में. लेट्स स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट. टेक द कप एंड पुट 3 स्कूप of baking soda, 2 scoop of citric acid and 4 scoop of cornstarch. Big cup में हमें cornstarch, baking soda, citric acid डाला है. तो हम citric acid को पहले open कर लेते हैं. Friends, मैंने अभी 2 scoop सिट्रिक एसिड की तो अभी ले लिए, अभी हमें बेकिंग सोडा की लेनी है. तो हम बेकिंग सोडा पहले ओपन कर लेंगे. सिट्रिक एसिड को बंद कर अब बेकिंग सोडा. फ्रेंड्स, अभी हम कौन स्टार्ट डालते हैं. फ्रेंड्स, मैंने अभी कौन स्टार्च, सिट्रिक एसिड, बेकिंग सोडा तो इस कप में डाली है. अभी हम अपना सेकंड स्टेप करते हैं. मेजर 5 ml ऑयल इन द मिल्किंग सिलेंडर एंड पोर इट इनटू द कप. हमें मेजिंग सिलेंडर में जो ऑयल है हमें कप में डाल लेना है, इस वाली कप में. फ्रेंड्स, हमारा अब इस थर्ड स्टेप है. एड 6 drops ऑफ कलर एंड 6 drops ऑफ एनी सेंट इनटू द कप एंड मिक्स. हमें जो ये जो केमिकल्स है ना हमें इसमें डाल लेने हैं. चलो हम पहले रेड कलर डालते हैं. 6 drops है ना. अभी हमें रोज सेंट डालना है. अभी हमें इसे मिक्स करना है स्टैंडिंग स्टिक से. फ्रेंड्स, देखो ये तो इसका मिक्स करते ही रेड कलर निकल आया. फ्रेंड्स, फोर्थ स्टेप है रोल द
mixer in your hand to form a bowl, add more cornstarch if the mixer is too soft. फ्रेंड्स आप अपने हाथ से भी कर सकते हो, मैं आपको इसमें कर दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स मैं इधर स्टायर कर रहा हूँ, पहले मैं स्टायर कर फिर आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं स्पैचुला से ये जो हमने करा था ये अभी हम इस कप में डालेंगे। मैं पहले सोच रहा था बॉल में बन जाएगी, अभी मैं हैंड से करूंगा। चलो हम हैंड से करना ही स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने अभी बॉल बना लिए, अभी हम इस वाली कप में डालेंगे। फ्रेंड्स हमारा 5 स्टेप है, प्लेस द बोल इन अ कप एंड फ्रीज इट ओवरनाइट। मैं इसको फ्रीजर में रख रहा हूँ, फिर मिलते हैं 24 आवर्स के बाद। फ्रेंड्स अभी हमारे 24 आवर तो हो गए थे। अभी ये जो हमने कल का एक्सपेरिमेंट करा था ना, और अभी इसे मैं आपको उठाकर दिखाता हूँ। अरे वाह फ्रेंड्स अभी मैं इसे अपनी बाथटब में डालूंगा तो देखते हैं कितने फ्रीजेज आते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको। है फ्रीजेज क्यों आए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, सेकंड एक्सपेरिमेंट पे, थर्ड एक्सपेरिमेंट पे फ्रीजेज आए थे ना, और आपने तो मेरी वो वीडियो देखी होगी। चलो अभी हम इसको वाटर में डालकर देखते सभी। इसमें हमने मोर कॉर्न स्टार्च डाला था, सिट्रिक एसिड डाला था और बेकिंग सोडा डाला था। मोर कॉर्न स्टार्च डल जाएगा तो फ्रीजेस बहुत कम आएंगे। चलो हम अभी इसको वाटर में डालकर देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स अभी देखो ये फ्रीजेस आ रहे हैं बहुत। फ्रेंड्स मुझे तो ऐसा करना है एक्सपेरिमेंट में बहुत मज़ा आता है। देखो कितने फीसेज आए हैं, जब तक ये इनके बबल्स ख़त्म नहीं होंगे। फ्रेंड्स अभी ये फीसेज कम क्यों आ रहे हैं, मोर कॉर्न स्टार्च डाला हमने और ये बहुत अच्छे खुशबू वाले हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ। अरे वाह फ्रेंड्स कितनी अच्छी खुशबू है। फ्रेंड्स ये इसमें खुशबू क्यों आ रही है, हमने रोज सेंट डाला था। और ये किसके बबल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये ख़त्म भी नहीं हुए फ्रेंड्स, देखो इसमें क्या मैजिक कर रही है बबल्स ही। फ्रेंड्स ये बाथ बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स आपको ये मेरी अच्छी लगी वीडियो, इसको सब्सक्राइब लाइक अपने फ्रेंड को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।